अहमदाबाद प्रवास पर आए स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल ने प्रेस वार्ता कर मीडिया से वार्ता की। मीडिया के प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने बताया कि स्वदेशी उद्योगों एवं नवाचार को प्रोत्साहित कर भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। वर्तमान सरकार इस संबंध में काफी कुछ कर रही है, परंतु सरकार की भी अपनी सीमाएं हैं। इसलिए आज युवा को आगे बढ़कर अपने कंधों पर देश को आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। भारत में निर्मित एवं भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करें, जिससे भारतीय उद्योग को बल मिल सके। उन्होंने बताया कि सिर्फ MSP से काम नहीं चलेगा, किसानों को समृद्ध करने के लिए हमें पारंपरिक ऑर्गेनिक खेती पर लौटना होगा एवं जल संचय के लिए योजना बनानी होगी। स्वदेशी तकनीकों, उद्योगों एवं विचारों पर शोध, स्वदेशी अनुकूल नीतियां बनाने के लिए सरकार का मार्गदर्शन एवं सहायता हेतु स्वदेशी फाउंडेशन की स्थापना स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली में करने जा रहा है। प्रेस वार्ता में क्षेत्र संयोजक डॉक्टर राजीव कुमार, प्रांत संयोजक अनिल लोहरी, प्रांत सह संयोजक कपिल नारंग एवं जिला संयोजक प्रशांत शर्मा उपस्थित रहे। हम स्वदेशी जागरण मंच की ओर से सब विद्यालयों के अंदर जाकर के, सब संस्थाओं में जाकर के, सब गाँव में जाकर के एक ही बात बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 12 मई को जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का घोषणा की, उसमें बहुत अच्छी है, प्रशंसनीय है, लेकिन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि हम साथ साथ जो सरकार नहीं कर पा रही है, और वो है जो विदेशी कंपनियां भारत में काम करती है उनका भी सामान ना खरीदे। मेक इन इंडिया सिर्फ पर्याप्त नहीं है, मेड बाई इंडिया का भी प्रचार होना चाहिए, भारतीयों द्वारा बनी हुई चीज़ों का प्रचार करना चाहिए। तो ये लक्ष्य लेकर के हम प्रचार कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत का। लगभग कितना रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि जो कंपनियां चाइना की यहाँ बनाती हैं तो भारत के लोगों ने उसको भी सामान खरीदना बंद कर दिया। और आपने देखा होगा कि अब झालर है चाइना की, उसका उपयोग कम हो गया है, लोग देसी दिए जलाने शुरू कर दिए हैं, चाइना से आने वाले पटाखों का लोगों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ हमारी बहुत बड़ी सफलता इसमें मिल रही है कि स्कूल कॉलेजों में हम जाकर के बच्चों कह रहे हैं केवल नौकरी के पीछे मत भागो, नौकरी देने वाले बनो। और नौकरी देने वाला बनने का मतलब ये हुआ कि हम अपना काम शुरू करें, इस और हमको ध्यान न देना चाहिए। इस पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करते, जो भारत के लोग बनाते हैं वो सारे हमारे प्रोडक्ट हैं। इसलिए हमने निश्चय किया है अपना कोई सामान नहीं बनाएंगे, सब भारतीयों का। जो बनाते हैं, जो मजदूर बनाता है, अपना काम शुरू करता है, छोटी फैक्ट्री का काम शुरू करता है, उस सारे के सारे हमारे हैं। उन सब का बिना लालच के, क्योंकि वो भारतीय हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को ऊंचा करने के लिए आवश्यक हैं, स्वदेशी के लिए आवश्यक है, हम उनका प्रचार करते हैं।